चार सूखा मिर्चा डालेंगे एकदम ठीक है। थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर दिए हैं अच्छे से, भी है मूली मूला जो भी बोलते हो ये सारा ऐड कर देते हैं। इसको पूरा सारा पराठा बन गया था मेरा, अब ये सिर्फ दो रह गया है और ये यहाँ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सब कैसे हो कमेंट करके बताइए। हम लोग भी अच्छे हैं, अभी रात में ब्लॉग स्टार्ट किए हैं तो मूली का पराठा बहुत दिन से आप लोगों को हम बोल रहे थे कि बनाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को, तो अभी बनाने ही वाले थे तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों को भी दिखा देते हैं हम कैसे बना रहे, किस टाइप का हम बनाते हैं। बहुत ही सिंपल बना रहे हैं और मूली तो वो मनीषा और मेरी बहन दोनों मिलकर घी से उसके सारा कुछ रेडी करके रखे हैं और कैसे बना रहे वो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं। बहुत सिंपल बना रहे, प्याज लहसुन अदरक ये सारा कुछ भी ऐड किया जाता है बट ये सारा कुछ ऐड नहीं हो रहा है तो बहुत सिंपल बन रहा है। और बहुत बार हम बना चुके हैं बट हम कभी ब्लॉग मतलब डाले नहीं है इसका, लेकिन फर्स्ट बार डाल रहे हैं। अभी ऐसे ठंड के मौसम में ये सब खाना बहुत मतलब मज़ा आता है खाने में, गर्मा गर्म बनाइए और खाइए बहुत मज़ा आता है। मूली पराठा, मेथी पराठा, गोभी पराठा, कोई भी चीज़ का पराठा गर्मा गर्म बनाइए और खाइए बहुत मज़ा आता है खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना और सब कुछ रेडी भी रख दिए हैं तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। मूली को अच्छी तरह से घिस लिए थे, मनीषा घिसी है और घिसने के बाद उसका जो पानी निकलता है ना, इसमें बहुत सारा पानी निकलता है तो पानी पूरा निचोड़ के और ऐसा रब कर लिए। देखिए अब कढ़ाई में तेल थोड़ा डाले, रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा अजवाइन डाले हैं और हींग डाले हैं, ये रहा हींग, हींग थोड़ा सा डाले हैं और चार सूखा मिर्चा डालेंगे। एकदम सिंपल बना रहे हैं ये, आप चाहे तो प्याज देख प्याज भी ऐड कर सकते हैं बट हम प्याज वाला नहीं बना रहे हैं, एकदम सिंपल वाला बना रहे हैं। तो इसमें सूखा मिर्ची ऐड करने के बाद थोड़ा सा हल्दी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर दिए हैं और सब अच्छे से थोड़ा मिला लेते हैं। सारे का मिला लिए हैं, मिलाने के बाद ये हमारा जो मूली है, मूली मूला जो भी बोलते हो ये सारा ऐड कर देते हैं और इसको पूरा अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए पूरी अच्छी तरह से मिला दिया, कितना अच्छी तरह से मिल भी गया रही है। अब पानी भी साइड साइड नहीं छोड़ा है, थोड़ा वो जो निकल भी रहा तो वो भी सूख गया है क्योंकि पानी पहले ही निकल चुका है, इतना निकाल के पहले ही हम लोग मतलब हटा दिए थे। अब बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अब इसको ही प्लेट में निकाल कर रखते हैं ठंडा करने के लिए। सारा प्लेट में निकाल के रख दिया, अब इसको ठंडा होने देते हैं। फटाफट इधर हम आटा सान लेते हैं, आटा में नमक डाल दिए और अजवाइन थोड़ा सा इस आटा में भी डाल दिए, तो चलिए आटा सान लेते हैं हम और ये ठंडा होने देते हैं। आटा इतना सारा सानना पड़ रहा है ना, इतना आटा सानने में ना बहुत दिमाग खराब होता है। मेरी बहन को बोले सान दो, पता नहीं उसका हाथ में ना जल रहा है। मनीषा और दोनों मूली घसा ना, पता नहीं मूली में जहर है कि क्या है, मिर्ची लगा है, उन लोगों का दोनों का हाथ जल रहा है तो हमें को सानना पड़ा। आटा सानना हो गया है और अब ये इसमें भर भर के लोया पहले बना लेते हैं, फिर ये मूला भी मेरा देखिए मूली भी ये हो गया ठंडा हो गया है। जमीन में रखे जमीन इतना ठंडा है जो खाना भी ठंडा हो जा रहा है, बताइए और क्या होगा। और ऐसे ठंडा में गरम गरम मूली पराठा, मेथी पराठा ये सब खाइए, मज़ा आ जाएगा खाने में। आप मेरी बहन बोल रही थी कि इसमें मतलब आटा में सान के मूली को मतलब ये करना चाहिए था, गूंदना चाहिए था, लेकिन हम बोले कि नहीं हम अलग से बना रहे हैं, अलग तरीका मेरा। इसको अभी लोया बनाएंगे, गोल करेंगे और इसमें भर के फिर हम बेलेंगे। और आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। इतना बड़ा बड़ा लोया बना लेते हैं, गैस ऑन कर दी। अब मुँह नहीं धोई है अभी, धोई एक घंटा बाद। एक घंटा नहीं हुआ अभी तक, एडो मेरे को प्लेट दो। तो चलिए फटाफट बना ले रहे हैं और आप लोग कैसे बनाते हैं मूली पराठा बताइएगा। बहुत लोग तो क्या करते हैं आटा में ही मूली को सान के अच्छा से उसके बाद फिर बेलते हैं, उसमें इसमें आराम से भर के और बनाएंगे। आप लोग हमें ट्राई कीजिएगा इसे बना के, अरे लग जाएगा। और धनिया पत्ता का चटनी भी बनाया है उसके साथ, चाय चाय सबको बोल रहा चाय के साथ खाएंगे, चाय के साथ खाएंगे। पता नहीं मूली पराठा और चाय कैसे लोग खा लेंगे, तो हम बोले धनिया पत्ता का चटनी कर देते। धनिया पत्ता का चटनी परसों बनाए थे तो इतना टेस्टी लगा इन लोग सबको, तो हम बोले चलो बना ही देते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, पहले छोटा सा बना लेते हैं गौ माता के लिए।
मेरी बहन इतना अच्छा सा ये बना के दी है, क्या बोलते हैं इसको, मूली पराठा। भूल जाते हैं हम, खुद बनाते हैं हम भूल जाते हैं। क्या भूलक्कड़, धनिया पत्ता का चटनी खा नहीं रही है, देखिए ना। अब इसको मूली खाते हैं, खाना होगा आपको, हम बना रहे हैं है? मेरा हाथ का सब खाते हैं ना, हम बोलते हैं जहर दम से भी खा लेंगे। हाँ तो खाइए मूली जहर लेके आओ, जहर खाएंगे, जहर ही खाएंगे। चलिए चलिए उठिए उठिए, तबियत ठीक नहीं है, सुबह पूरा बॉडी गर्म हो गया था, सर दर्द से पूरा ये हो रहा था यार, अभी नहीं खाना खा रहे हैं। दोपहर में भी खाना भात चावल नहीं खाया, बोले नहीं खाएंगे, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो उठिए उठिए, पापा को उठाइए, तो बेटा उठाइए, पिटू पिटू करेंगे, उठाइए पापा। चलिए उठिए ना, बच्चे को भी भूख लग रहा है, ज्यादा टाइम खा, 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 हम नहीं खाएंगे मूली पराठा, हम मूली पराठा खाते हैं। अच्छा क्या खाएंगे फिर, मेरा खा के तो देखिए, अच्छा नहीं लगे तो मत खाइएगा, खाते ही नहीं मूली, तो फिर मूली पराठा खा के देखिए, मूली पराठा खा के तो देखिए, वही वाला बात, वही वाला बात। फिर गरम है बेटा, तो पार्टी में भी तो जाते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, फिर कैसे खाते हैं, मछली नहीं खाते घर में बोलते हैं, अभी पार्टी में सुनते हैं कि मछली अब खाए, हाँ बताओ, अब बोलते हैं मछली नहीं खाते हम घर में, मछली बनाने से छोड़ दिया, मछली खाना छोड़ दिया, पार्टी में सुनते हैं, फिर दोस्त लोगों के मुंह से कि मछली खाए है, झोल खाए, झोल झोल खाए, ज्यादा नौटेंगे मत, खींचे की पीहू खिला रही आपकी बेटी, तब प्यार से हो गया ना, खिला दे बेटा पूरा, खिला दो, नहीं बेटा मत खिला, खिला दे सुनना, आधा खिलाए ना, हम खा लिए ना, अब मत खिला दे बेटा, पापा सुनने बोल दो, नहीं खा, पापा भूखा है बेटा, दोपहर से कुछ नहीं खाए, एक जो बोल रहा है खा लिया तो हो गया मेरा, थोड़ा फिर एक तो खिला दीजिए, ठीक है, करिए करिए नौटंकी करिए, नहीं खा नहीं रहे, इतना नौटंकी कर रहे, बताइए। चलिए बना लेते फटाफट, पूरा पड़ा हुआ देखिए ना, खा नहीं रहे हैं, सारा पराठा बन गया था मेरा, अभी ये सिर्फ दो रह गया है, और ये यहाँ भी पूरा खाली नजर आ रहा है आप लोग, यहाँ पे तीन है शायद, और बाकी सब लोग खा भी लिए हैं। मनीषा कैसा लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट झाल लग रहा था, मुँह गर्म खाए ना, क्या धनिया पत्ता चटनी टेस्ट लग रहा है, खा लेगी ना पूरा, कितना डोली थी, चार खा लेगी। ए पुत्री कैसे लगा, एकदम ब्यूटीफुल, सब मम्मी बना रही, दो सरप्राइज गया है, आज मेरे पति देव मूली पराठा, मूली पराठा खाएंगे नहीं तो उनके लिए हम अभी बना दिए ऐसे प्लेन पराठा और दही बड़ा दे दिए। गुस्सा से देखिए ना, गुड़ सोए हुए तो उठा दिए खाने के लिए, कैसे गुस्सा से बैठे हुए हैं, बच्चा लोग कैसे सब कर रहे हैं, लेकिन सच में चाय बोलते भी रात को देने के, रात में चाय का रसा अच्छा नहीं है जानते हैं, ज़्यादा चाय नहीं पिया जाता, एक बार एक टाइम पीते हैं ना सुबह। तो ये रहा, हम अपने लिए भी निकाल लिए हैं, भूल जा रहे बार बार इसको ना, क्या बोलते हैं, मूली पराठा, धनिया पत्ता का चटनी और दही बड़ा, दही बड़ा आधा ही मेरे को मिला, ये रहा देखो। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कैसा बना है, हम अभी तो खाए नहीं है, खा के बताते हैं आप लोगों को। अच्छा है, बट थोड़ा सा नमक कम है, नमक कम है ना, चटनी बहुत है नमक, अच्छा चटनी में नमक है तो मेकअप हो जाएगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा, बना के खाइएगा। चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कल फिर मिलते हैं नहीं अच्छे ब्लॉग के साथ, बाय बाय, लव यू गाइस।